लॉकडाउन सुपरमार्केट। एक गांव में ज्योति सुपरमार्केट हुआ करता था। उसके मालिक का नाम पवन था। उस गांव में हेमंत नाम का एक चोर रहा करता था। उसे नींद बहुत ज्यादा थी। दिन भर वो सोया ही रहता था और रात में चोरियां करता था। अगर किसी दिन वो चोरी करने नहीं गया तो दिन और रात दोपहर सोया करता था। वैसे वो हमेशा नींद में ही रहता था। बस या ट्रेन में चढ़ते ही उसे तुरंत नींद आ जाती थी। एक बार वो मास्क पहनकर सुपरमार्केट में गया। लोग वहां कतार में खड़े थे। सिक्योरिटी वाला थर्मल स्कैनिंग करके हाथ पे सैनिटाइजर किया। वो देखकर हेमंत, पता नहीं ये पनवती कब जाएगी यहां से। सबके चेहरे पे मास्क होता देख कौन क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे कर्जा देने वाले से छुटकारा जरूर मिल गया है, क्योंकि वो लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, वो एक खुशी की बात है। वो अंदर शॉपिंग करते हुए अचानक सो गया। बाद में उठते ही देखा कि शॉप बंद हो गई। कैश काउंटर में देखा तो उसे पैसे दिखाई दिए। तुरंत उसे उठाकर जेब में डाला। वहां पे उसे एक वाइन बॉटल भी दिखाई दिया, तो उसे लेकर, आहा, इस शॉप में तो वाइन बॉटल भी मिल गया, कितना किस्मत वाला हूँ मैं। चिप्स पैकेट भी कहीं पे मिल गया तो मामला तो मस्त हो जाएगा, सोच के चिप्स पैकेट भी उठा लिया। वैसे वो वाइन पीकर चिप्स खाकर एंजॉय करने लगा। बाद में वो नोटिस बोर्ड में लिखा एक फोन नंबर को देखकर उसके मोबाइल से फोन किया। घर में पत्नी के साथ रहा पवन को फोन आई। हेलो, कौन है जी आप? ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बोल रहा है, आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कुछ नहीं साहब, शॉप कब खोलेंगे वो पता लगाने के लिए फोन किया साहब। अभी शॉप बंद करके आए हैं, लॉकडाउन है ना, इसलिए 6 बजे बंद कर देते हैं। सॉरी सर, कुछ मत सोचिए। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक घंटे के बाद फिर से फोन करके, हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं ही हूँ, क्या चाहिए आपको? सर शॉप कब खुलेगी? कुछ देर पहले बंद किए, बोला था ना तुम्हें, क्या चाहिए आपको? सॉरी, ठीक है, कहकर फोन रख दिया। कुछ घंटों के बाद फुल पी के फिर से फोन किया हेमंत। हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन जी ही बात कर रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोल क्या चाहिए? शॉप कब खोलेंगे साहब? ए, तुझे काम धंधा नहीं है क्या? अक्कल तेरा घास खाने गया है क्या? कितने बार बोल रहा है तुझे, सुबह 8 बजे के बाद शॉप खोलेंगे, रख दे फोन। क्या 8 बजे के बाद खोलेंगे? तो मैं बाहर कैसे आऊँ? तू कैसे बाहर जाएगा? मतलब तू बाहर जाने का और मेरा शॉप खोलने के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है पूछ रहा है? अरे बेवकूफ, मैं तेरे ही शॉप में अंदर बंद पड़ गया। क्या मेरे शॉप में? नहीं तो कस्टमर सभी गए या नहीं, बिना चेक किए कैसे बंद कर दिए अपने शॉप को? नीच कमीने, मुझे अभी बाहर जाना है। मैं जाऊँ तो शटर तोड़ के निकल सकता हूँ, बाद में अगर कोई आके चोरी किया तो वो केस मेरे ऊपर तू ठोक देगा। नहीं भाई, नहीं, तोड़ मत, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। अब आई बात ठिकाने पे। अरे वो कैश काउंटर पे कुछ पैसे है, 52,000 कुछ बोलने जा रहा था। हाँ 52,918 रुपए है जी। हाँ, वो मैं ले गया, लॉकडाउन में बिना पैसों की तकलीफ हो रही थी, ये मुझे काम आएंगे। क्या पैसा उठाया? ए चोर कहीं का, रुक पुलिस को फोन करके मैं तेरे इलाज करवाता हूँ। क्या रे, मैं अगर चोर हूँ तो तू क्या शांत है? तेरे शॉप में सारे सामान नकली है, पुलिस को बोलने की कोशिश की तो तेरा दुकान जला डालूंगा। चुपचाप अकेले आके शॉप खोल, मुझे बाहर जाना है चोर कहीं का, कह के गालियां देने लगा। साहब साहब वैसा मत कीजिए, उसके ऊपर ही मेरा परिवार निर्भर है, मैं उसी पे जी रहा हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे शॉप को कुछ मत करो, कह के रोने लगा। छी छी छी, पनवती कहीं का, रोना बंद कर रोना। तो पवन तुरंत रोना बंद कर दिया। तू गलती करके मेरे ऊपर क्यों रो रहा है? तुरंत मुंह साफ कर। तो पवन तुरंत मुंह साफ किया। हंस हंस,
तो पवन तुरंत कह के हंसने लगा। और ठीक से हंस, और ज्यादा हंस, हाँ हाँ वैसे ही हंस, फेस वैसे ही रखना हमेशा, कमान कमान जल्दी आके ताला खोल कुत्ते। तो पवन भागते हुए शॉप के पास आया, शटर उठाते हुए, ए भगवान ये कौन है जो मेरे शॉप में घुस गया, ये महीना तुम्हारा अच्छा जाएगा कह के मैंने ज्योतिषवाणी में पढ़ा था, तो लगता है यही वो अच्छे दिन है, सोच के उसने शटर खोला। बात खत्म। तुरंत हेमंत पीछे से आके पवन के कमर पे लात मारा। पवन अंदर गिरते ही हेमंत शटर क्लोज करके वहां से भाग गया। ब्लाइंड थीफ। एक गांव में बंटी नाम का चोर हुआ करता था। वो गांव-गांव घूमकर तरह तरह के चोरी और दो नंबरी धंधा किया करता था। बंटी एक दिन लालूपुर नाम के गांव गया। बंटी उस गांव को गौर करते हुए, देखने से ये गांव वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको भावुक बना के चोरी करना होगा। अगले दिन वो एक काला चश्मा पहनकर, एक स्टिक पकड़कर, अंधे की तरह नाटक करके रोड के एक किनारे खड़ा रहा। एक बच्चा आकर, आइए अंकल मैं सड़क पार कराऊंगा। ये मुझे क्या सड़क पार कराएगा, हड़पने के लिए इसके पास क्या होगा, सोचकर उससे, मैं सड़क पार करने नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही खड़ा था, तू जा। बाद में इंशर्ट पहना हुआ एक आदमी आके, आओ ब्रदर मैं पार कराऊंगा कहकर बंटी को रोड पार करने लगा। बंटी उसके बैक पॉकेट के पर्स हड़प लिया। बाद में एक सेलफोन पे बात करता हुआ इंसान वहां से गुजर रहा था। वहां सड़क पे एक मैन होल खुला था। बंटी जानबूझकर उस मैन होल के और जाने लगा। सेलफोन पे बात करता आदमी बंटी के और उस मैन होल के और देखकर घबरा गया। वो मैन होल की तरफ बढ़ा। बंटी मैन होल में पैर रखते समय वो आके बंटी का हाथ पकड़ लिया। बंटी उसके हाथ से सेलफोन खींचकर उसे मैन होल में ढकेल दिया। वो अंदर से बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। बंटी वहां से भाग गया। बंटी को भूख लगी तो वो एक होटल के पास आकर खड़ा रहा। अंधेपन का फायदा उठा के खाना पूरा फ्री में खाना होगा, सोचा। एक टेबल के पास पति पत्नी बैठे हुए थे, उनके सामने उनका बेटा बैठा हुआ था। बंटी जाके उस बच्चे के पास बैठ गया। वो बंटी को देखकर उसके ऊपर तरस दिखाए। उतने में सर्वर आके पति के सामने तंदूरी चिकन, पत्नी के सामने छोले भटोले और बच्चे के सामने आइसक्रीम रख दिया। बंटी हाथों से ढूंढते हुए, अरे मैंने ऑर्डर किया खाना बहुत जल्दी आ गया है कहकर बंटी तंदूरी चिकन फटाक से खा गया। ये आपका दिया हुआ ऑर्डर नहीं है जी, मेरा दिया हुआ है। सॉरी सर, अंधा हूँ साहब, इसलिए मेरा सोच के खा लिया कहकर सामने का छोले भटोले प्लेट धड़ाधड़ खा गया। अयो ये भी हमने ऑर्डर किया है जी। ए भगवान क्या परीक्षा कर रहा है तू मेरे साथ, मुझे अंधा बना के बेवकूफ बना दिया, मेरा सोच के सबका खाना खा जा रहा हूँ, इतना पैसा होने के बावजूद मैं दूसरों का खाना क्यों खा रहा हूँ, माँ मुझे माफ कर दो कहकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ठीक है जी क्या हुआ, हम दूसरा ऑर्डर कर देंगे, रोइए मत। थैंक्स माँ जी, आपके जैसे महान औरतें जब तक इस दुनिया में है दुनिया न्याय से चलेगी कहके उसका हाथों से कंगन और अंगूठी निकाल दिया। जाते जाते, कम से कम मैंने ऑर्डर दिया आइसक्रीम तो लाया ना कहकर बच्चे के सामने का आइसक्रीम उठाकर ले गया। वो उसे देखते ही रहे। बाद में बंटी, ये गांव हो गया है अभी पड़ोस के गांव जाना होगा, सोच के शेयर ऑटो में चढ़ा। वो ऑटो आके पड़ोस के गांव में रुकी। बंटी ऑटो से उतर के जाते समय ऑटो वाला, सर पैसे। पैसे कौन है भाई, तू भिखारी है क्या? मैं भिखारू नहीं हूँ साहब, आप जिस ऑटो में चढ़े उसका मैं ड्राइवर हूँ। क्या मैं ऑटो में बैठा था? अरे रे रे रे, बस स्टॉप में बैठा ऐसा मैंने सोचा, मेरे पास बस के लिए फ्री पास है, ऑटो के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई, सॉरी कहकर चला गया। ऑटो वाला देखता ही रह गया। बंटी उस गांव में एक बैंक के पास आया। अब ये चिल्लर चोरियां वेस्ट है, मुझ पे ये अंधे का किरदार सूट कर रहा है, इस गेटअप में बैंक में किसी बकरे को हड़प के सेटल हो जाऊंगा, सोचा। बंटी बैंक में गया। एक आदमी बहुत सारा पैसा विथड्रॉ करके एक बैग में डालकर जा रहा था। बंटी उसे रोककर, सर थोड़ा ये विथड्रॉल फॉर्म फिलअप करके देंगे, अंधा हूँ ना लिख नहीं सकता हूँ साहब। अरे रे रे, ठीक है साहब कोई बात नहीं कह के कैश बैक नीचे रख के, हाँ तो आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर बोलिए।
मेरा नाम सरविंदर सिंह, मोतीलाल, पंकज दास, श्याम बेनेगल, महेश चिंद, स्वरूपानंद मिश्रा है जी। क्या है भाई इतना लंबा नाम, लिखने के लिए 10 मिनट लगेगा, इस फॉर्म में भरेगा या नहीं पहले मैं देखता हूँ, कहकर वो नाम लिखना शुरू किया। वो लिखते समय बंटी उसका बैग उठा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे गांव का SI उसके सामने दिखाई दिया। उसे देखकर बंटी अंधे के जैसा एक्टिंग करना शुरू किया। चलिए मैं आपको बाहर लेकर जाता हूँ, कहकर अंदर लेकर गया। बाहर लेकर जाएंगे कहकर अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? तो SI उसे खींच कर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया सोच रहा है? इस सर्कल में हर पुलिस स्टेशन में तेरा फोटो चिपकाया हुआ है, तू इतना बड़ा स्टार चोर है, चल पुलिस स्टेशन, तुझे सम्मान करके तेरे पास ऑटोग्राफ लेना है। वैसे बंटी को लेकर जेल में डाल दिया।